हाय दोस्तों, मैं बाबा चौधरी मरियम गॉड फार्म। हमने करीबन 4-5 दिन पहले एक बोरवेल मारा था 375 फीट। मैं कैमरामैन से बोलूँगा घुमाने के लिए उधर राइट तरफ, तो वहाँ पे हमें एक बूंद पानी नहीं मिला। उसके बाद हमने फिर से चेक करवाया, खुद भी कुछ चेक किया, हमने उसका वीडियो भी बनाया है। मैं इस वीडियो के साथ इंशाल्लाह उसको भी अपलोड करूँगा। तो हमको यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो 180 पे मिला था, ऐसे 180 पे मिला था। उसके बाद में दूसरा पॉइंट कुछ 210 से 230 पे, और तीसरा पॉइंट 275 से 290 के बीच में मिला, और 315 पे हमने बंद कर दिया। और आज करीबन 24 घंटे के बाद आके देख रहे हैं तो हमने 22 फुट का इसमें कैपिंग डाला था। आपको जरा कैमरा नीचे घुमाओ, 22 फुट तक हमने इसमें कैपिंग डाला हुआ है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैपिंग, ये देखिए कैपिंग दिखाई दे रही है। और अब मैं इसमें डालूंगा पत्थर, ये बिस्मिल्ला, पानी नहीं दिखा, ऐसे रखें, आप रखें कैमरा, ये देखें, ये देखिए पानी दिख रहा है अभी इसमें, दिख रहा है ना, ये देखिए, ये ओके, ये करीबन 22 फुट का गैपिंग है। तो जब पानी हमको 180 पे मिला तो 22 फुट मतलब 150 फीट पानी ऊपर आने का मतलब ये होता है कि इंशाल्लाह इसमें जो इसका जो पॉइंट है, जो झारा मिला है, वो काफ़ी ताकतवर है। अब दूसरी बात ये है, इस फार्म को देखने वाले, चलाने वाले, बकरों की देखभाल करने वाले योगेश पवार, ये हैं जुम्मन अली, इनका नाम आशिक अली है एक्चुअली, लेकिन हम लोग इनको प्यार से जुम्मन जुम्मन बोलते हैं। ये जो है दवाई से लेके बकरों की देखभाल पूरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक के अच्छा रिपोर्ट आया। और ये है नीलू, पूरा नाम बताओ, नीलेश जगताप, ये इन दोनों का सपोर्टर है। ओके, तो अब ये आज का वीडियो इतना है। बकरा हमारे जो है वो बोर बकरा कहाँ है जरा दिखाओ, ये देखिए वो हमारा बोर बकरा है, जरा नीलू उसको घुमा के लाओ उसको इस तरफ। तो जब भी बोरवेल कराएं तो मेहरबानी करके 1 से 10 लोगों को आप चेक करवाइए, क्योंकि एक बार ड्रिल शुरू हो जाती है ना, पानी ना मिलने का दुख जो होता है बड़ा दर्दनाक होता है। मैं रात भर सोया नहीं उस रात, और फिर मैंने सर्च करना शुरू किया, उसके बाद चेक करने वालों को बुलाया, और अल्लाह से दुआएं कि अल्लाह ने ये दिया। ये देखिए ये हमारा बोर बकरा, हमारे फार्म की शान है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इस रमज़ान में हम काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, और ये अभी इस तरफ का ये नया स्ट्रक्चर होगा, उसी स्ट्रक्चर के बीच में ये बोरवेल लगा है। ठीक है, अब दुआ करें, इसके बाद का वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा, जिसमें मैं ये दो बंदे जो योगेश और जुम्मन, इनका जो 3 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है फार्म पे बकरों का, बकरियों का, बच्चों का, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ओके,